इस वक्त हमारी मौजूदगी संत कबीर नगर के मोहली थाना में है और थाने की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए यहाँ पे भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। और आपको बता दें कि साफ तौर पे जिस तरह से देर रात जो है मालती चौहान जो फेमस यूट्यूबर है उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बुधवार को सुबह वो अपने मायके से ससुराल आती हैं, उसके बाद रात में उनका शव जो है वो फंदे पर लटका हुआ ससुराल के कमरे में मिलता है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुँचती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर के भेज देती है। वहीं मालती चौहान के परिजनों का जो है मायके वालों का साफ तौर पर कहना है कि विष्णुराज, अर्जुन और साथ में राहुल और ऐसे कई लोग हैं जो कि उनके दोस्त हैं, इन लोगों ने मिलकर के जो एक साजिश रची थी जिसके तहत मालती को जो है वो उनकी हत्या की गई है साफ तौर पे। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो मैं दीपचंद बोल रहा हूँ, मालती के पिता, मालती का हत्या कर दिया गया है। विष्णुराज चौहान अपने साथ लोगों को मिला करके, अर्जुन वर्मा ये सब नौटंकी करके और उसकी हत्या किए है। मालती अपने ससुराल कब गई थी? मालती अपने ससुराल कल नहीं परसों गई है, वो 20 तारीख को यहाँ से निकली है, 9 बजे रात के लिए गई। और रात में वो लेकर के गया है, कल हमारी बात हुई बिल्कुल सब कुछ ठीक था, फिर शाम को फिर बात हुआ ठीक था, बहू से बोली कि मैं सवेरे फ़ोन करूँगा या फ़ोन कर लेना, मैं ठीक हूँ। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 3 बजे सुनाई आ रहा स्टूडियो से आया है और उसी वक्त में ये उसकी हत्या किया है। इसमें रात में आपसे बात हुई थी, रात में 10 बजे करीब बात हुई थी? नहीं, हमसे नहीं बात हुई थी, हमारे बहू से बात हुआ था इसकी, ये ठीक थी। रात सुनो कह रहा है रात में 10 बजे आपसे बात किया था? नहीं, हमसे नहीं, हमारे बहू से बात हुआ था। ये लड़की आपकी कब गई थी वहाँ? लड़की हमारी 20 तारीख को गया है यहाँ से, रात को शाम को 6 बजे 6:30 बजे लेकर के गया है। ये वीडियो बना मालती डाली है तो आपके मायके का वहाँ का कि यहाँ का था? वो यहाँ का था, काली जगदीशपुर का। फिर क्यों वो कह रही थी इस बारे में? यही कहवा रहा था, उसको धमकी वगैरह दे करके। कारण क्या चाहता, मजबूत कारण क्या नजर आ रहा है आपको? मजबूत कारण इसमें यह है कि जो राधिका नाम की कोई लड़की है उसके साथ इसका लव चल रहा है, उसी के कारण इसे मारा गया है। और ये उसको देख भी ली थी और उसका विद्रोह भी की, लेकिन विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं, पूरे विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं और ये पूरे परिवार वाले ये साजिश करके ये उसे उसकी जान से मारे हैं। और ये दहेज का भी काफ़ी मुद्दा उठा रखे थे, दहेज के लिए भी ये प्रेरित कर रहे थे उसे। अच्छा, मालती आपके साथ थी घर पे, उसके बाद यहाँ आई थी अपने ससुराल में, उस समय मालती आपसे क्या बातचीत कर रही थी, क्या असमंजस लग रहा था आपको? उसने फ़ोन मेरे पास हुआ कि कुछ लोग आए हुए थे मीडिया के कि इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं फ़ोन करके पूछा इंटरव्यू दूँ कि ना दूँ, कहती नहीं पापा रहने दो, मैं घर पे ठीक हूँ, इंटरव्यू नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं देना। मालती को कौन मना किया था कि मत बोले मीडिया से या कोई बात ना करे? ये विष्णु चौहान ही बोला था कि क्या बोलता किसी से बात ना करे, विष्णु बोला था। जो भी वो मालती कह रही थी, ये जो कहवा रहा था वही कर रही थी? हाँ, ये सब दबाव में कर रही थी मालती, सब दबाव में कर रही थी, जितना भी कुछ बोली है वो दबाव में वही बोली है। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं इन लोगों के ऊपर? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, विष्णु चौहान का कारावास होना चाहिए। कौन कौन है शामिल? और बच्चा का बोलता है अगर हमें मिले तो मिले, नहीं तो मदर टेरेस में इसको डाला जाए, क्योंकि कोई सौतेली माँ किसी बच्चे को नहीं पाल सकती है। कल को उसे भी मार दिया जाएगा रास्ते से हटाने के लिए, उसे भी हटा देंगे ये लोग। कौन कौन शामिल? किसके किसके ऊपर शक लग रहा है? इसमें अर्जुन वर्मा है, विष्णु चौहान है, राहुल है, अमरनाथ है, एक और इसका कोई भाई लगता है वो भी है साथ में, माझी है, इनमें सहदेव है, इसमें ये सब मिल करके काबुल थे, ये गेम खेले हुए इस तरह से काम कर रहे हैं। विष्णु ने एक इंटरव्यू में ये कहा था चाचा कि उसको जो है वो हमारे हिसाब से काम करेगी, हमारे हिसाब से वीडियो बनाएगी, क्या ऐसा क्यों कर रहा था वो, क्यों मालती को सोशल मीडिया से हटा रहा था? सोशल मीडिया से इसीलिए हटा रहा था कि उसका पोल ना खुले, और जो मैं इसको रास्ते से हटाने में किसी को कोई शक ना हो, और आज वही काम ये किया है, उसकी हत्या किया है, एक बेटी की नहीं हत्या किया है, इस देश की सारी बेटियों का हत्या ये कर रहा है। अच्छा, इस तरह से उस दिन सुलह हुआ था तो क्यों जो है आप लोग मीडिया क्यों नहीं बताए? कौन मना किया था? इसने विष्णु चौहान ने मना किया कि मीडिया को नहीं बुलाना है, कुछ नहीं करना है, और ये हमारा आपसी मामला है और हम आपस में ही काबल थे, इसे सल्ट लेंगे, ठीक रहेगा, नहीं तो ये बात का बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ये मीडिया दूरी इसलिए बनाया जाता कि प्लान करके उसके साथ इस तरह किया जाए? हाँ, ये मीडिया से दूरी इसलिए बनाए हैं कि काबल थे प्लान करके किया जाए ऐसा काम।
ये पूरी तरह से हत्या है, ये पूरी तरह से हत्या है, उसकी हत्या किया गया है। वो मरने वाली नहीं थी, इतनी कमजोर लड़की नहीं थी। क्या क्या चाहते हैं, इसके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो? इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो इसने जो धन कमाया हुआ, जितना भी पैसे कमाया, उसके 50% का बोलता हकदार मालती थी, उसे उसके बच्चे को मिले। और दूसरी बात यह है कि उसका बच्चा उनके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर भी जान का खतरा है। किस प्रकार सजा दिलवाना? सजा ये इसको उम्र कैद होनी चाहिए। गोरखपुर इसका उम्र में बातचीत होती रहती थी। कुछ लास्ट बार मालती चौहान से आपसे बात हुई थी? नहीं नहीं, हमसे कोई बात नहीं।